नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सेठ जी का पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोगों के लिए भौतिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो गत वर्ष की तमाम परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करें। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों जब अपद्रव्यों को किसी चीज़ में मिला दिया जाए तो उसका जो है गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, तो उसका जो दोस्तों गलनांक है दोस्तों वो दोस्तों घट जाता है दोस्तों। दोस्तों चावल को पकाने में कहाँ सबसे अधिक समय लगता है दोस्तों जो चावल होता है इसको पकाने में सबसे ज़्यादा दोस्तों समय कहाँ लगता है दोस्तों, तो यह दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर लगता है दोस्तों। कहाँ लगता है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट पर लगता है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? किसी द्रव को क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे दोस्तों कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं दोस्तों? वाष्पीकरण कहते हैं दोस्तों। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गतिकी के किस नियम से मिलती है दोस्तों? आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गतिकी के किस नियम से मिलती है दोस्तों? तो ये मिलती है ऊर्जा के प्रथम नियम से दोस्तों मिलती है दोस्तों। दोस्तों ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है दोस्तों? ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो यह ऊर्जा संरक्षण की दोस्तों पुष्टि करता है। किसकी पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण की दोस्तों पुष्टि करता है। किस बिंदु पर फारेनहाइट तापक्रम और सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना हो जाता है? किस बिंदु पर हो जाता है दोस्तों? तो यह -160 फारेनहाइट पर होता है दोस्तों। दोस्तों किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो यह उसके पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ब्लैक बॉडी होती है इंजनों की या किसी भी चीज़ की, तो ब्लैक बॉडी किसी विकिरण को अवशोषित करती है दोस्तों। ब्लैक बॉडी जो है किस विकिरण को अवशोषित करती है? तो यह केवल तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करती है। किसको अवशोषित करती है? तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करती है दोस्तों। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं दोस्तों? दोस्तों शीत ऋतु का जो मौसम होता है वह किस प्रकार के मौसम होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो किस प्रकार का मौसम? साफ मौसम में दोस्तों हम ठंड ज़्यादा महसूस करते हैं दोस्तों। दोस्तों मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है दोस्तों? दोस्तों जो मिट्टी का घड़ा होता है इसमें किस क्रिया के कारण दोस्तों जल जो है ठंडा रहता है? तो यह दोस्तों वाष्पीकरण के कारण दोस्तों ठंडा रहता है। किसके कारण दोस्तों? वाष्पीकरण के कारण दोस्तों ठंडा रहता है दोस्तों। प्रसव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था दोस्तों? प्रसव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था दोस्तों? तो यह उत्पन्न किया था दोस्तों क्लाटन ने। किसने उत्पन्न किया था दोस्तों? क्लाटन ने उत्पन्न किया था दोस्तों। ध्वनि का त्वरण किस पर निर्भर करता है दोस्तों? जो ध्वनि का त्वरण होता है दोस्तों यह किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो यह निर्भर करता है आवृत्ति पर। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है दोस्तों। दोस्तों विमान के आंतरिक भाग की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? दोस्तों जो विमान की आंतरिक सफाई होती है दोस्तों उसमें किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो उसमें प्रसव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रसव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। मनुष्य को
ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? दोस्तों मनुष्य को जो है ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है, तो यह 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। दोस्तों लगभग सेंटीग्रेड तापमान पर किस माध्यम के ध्वनि की गति अधिकतम होती है? दोस्तों 20 सेंटीग्रेड तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की तरंग सबसे अधिक होती है दोस्तों, तो यह लोहा में होती है। दोस्तों ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी और पतली होती है? दोस्तों जो ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि दोस्तों मोटी और पतली होती है, तो यह होती है दोस्तों त्वरण के कारण होती है, त्वरत्व के कारण होती है। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? दोस्तों सबसे ज्यादा किसके किसके कारण जो है ध्वनि प्रदूषण होता है, तो यह दोस्तों हवाई जहाज की उड़ान भरने से होता है। दोस्तों किससे होता है? हवाई जहाज की उड़ान भरने से दोस्तों होता है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? दोस्तों कौन सी क्रिया प्रकाश और ध्वनि में दोनों में घटित नहीं होती है, तो यह दोस्तों होता है ध्वनि। ध्वनि का प्रभाव मानव के कानों पर कितने समय तक रहता है? दोस्तों ध्वनि का प्रभाव मानव के कानों में कितने समय तक रहता है, तो यह दोस्तों 1/10 सेकंड तक रहता है। कितना रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है। दोस्तों ध्वनि तरंगों किसके कारण उत्पन्न करती हैं? दोस्तों ध्वनि तरंगें जो होती है किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं, तो ये दोस्तों परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। दोस्तों एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? तो दोस्तों कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? दोस्तों 5 से 6 फीट तक खड़ा रहना चाहिए। दोस्तों 5 से 6 फीट दूर खड़ा रहना चाहिए। दोस्तों स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर काम करता है? दोस्तों स्टेथोस्कोप जो है ध्वनि के किस सिद्धांत पर काम करता है? दोस्तों तो यह दोस्तों परावर्तन के सिद्धांत पर दोस्तों काम करता है। दोस्तों पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तीव्रता बढ़ जाती है, या ऐसा किस घटना के कारण होता है? दोस्तों पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तीव्रता बढ़ जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है, या किस घटना के कारण दोस्तों होता है? डप्लर प्रभाव के कारण होता है। किसके कारण? डप्लर प्रभाव के कारण दोस्तों होता है। दोस्तों किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात दृष्टि के उपकरण किया जाता है? दोस्तों किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात दृष्टि में किया जाता है, तो यह दोस्तों अपवर्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? अपवर्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। एक जेब पद्धति जिसमें श्रव्य प्रासव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। किसमें? सोनोग्राफी में किया जाता है। दोस्तों कौन सी तरंगों शून्य में संचरण नहीं करती हैं? दोस्तों कौन सी तरंगें दोस्तों जो शून्य में संचरण नहीं करती हैं, तो वह हैं ध्वनि तरंगें शून्य में संचरण नहीं करती, शून्य यानी कि निर्वात में संचरण नहीं करती हैं। दोस्तों वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है। दोस्तों वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयोग होता है, क्या है दोस्तों? तो यह दोस्तों है सुनार। जो समुद्र सुनार को जो है समुद्र में जो पनडुब्बियों को पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगें हैं? दोस्तों जो प्रकाश तरंगें वह किस प्रकार की तरंगें हैं? दोस्तों तो ये अनुप्रस्थ तरंगें हैं। कैसी तरंगें दोस्तों? अनुप्रस्थ तरंगें हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? दोस्तों प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दोस्तों प्रतिस्थापित किया गया? तो यह दोस्तों हाइगेंस द्वारा किया गया। किसके द्वारा? हाइगेंस द्वारा किया गया। दोस्तों किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? दोस्तों किस घटना के आधार पर दोस्तों प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है?
तो यह दोस्तों धुवरण के कारण पुष्टि होती है दोस्तों, धुवरण के आधार पर पुष्टि होती है दोस्तों। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी दोस्तों? तो यह दोस्तों किसने की थी दोस्तों? मैक्सवेल ने की थी। किसने की थी दोस्तों? मैक्सवेल ने की थी दोस्तों। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है दोस्तों? किसने दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रोमाल्डी। किसने किया था? ग्रोमाल्डी ने किया था दोस्तों। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि तरंग दोनों में घटित नहीं होती होती है? तो यह दोस्तों ध्वरण जो है घटना है दोनों में घटित नहीं होती दोस्तों। दोस्तों चांद से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है दोस्तों? चांद से पृथ्वी तक आने में दोस्तों प्रकाश का समय कितना लगता है दोस्तों? 1 सेकेंड लगता है दोस्तों। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है दोस्तों? सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए लगभग कितना समय लगता है? तो दोस्तों लगता है 8 मिनट 17 सेकंड। कितना लगता है? 8 मिनट 17 सेकंड दोस्तों लगता है। वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है दोस्तों? वायु में प्रकाश की गति 3×10^8 होती है दोस्तों। कितनी? 3×10^8 होती है दोस्तों। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है दोस्तों? तो यह क्रीट यानी कि कुरेना दिखाई देता है। कौन सा? क्रीट या कुरेना दिखाई देता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किसी कारण थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है, तो यह किसके कारण होता है दोस्तों? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है दोस्तों। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है दोस्तों। पानी में डूबी एक छड़ी किसी संपत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। पानी में डूबी छड़ी किसके कारण दोस्तों मुड़ी हुई दिखाई देती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किस कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो दोस्तों यह प्रकीर्णन के कारण दोस्तों दिखाई देता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।